नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग जो है लघुत्तम समापवर्त निकालना जानेंगे। ये दिया गया है सवाल दोस्तों, अंश और हर का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। पहले अंश का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त और हर का महत्तम समापवर्त निकालेंगे, तो ये पूरे का लघुत्तम समापवर्त निकल जाएगा। हर 5/27, 35/81 और 20/21। ये अंश का लघुत्तम समापवर्त और हर का महत्तम समापवर्त निकालेंगे। महत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि सबसे जो है विभाजित होता है। पहले इसका जो है लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं 5, 35 और 20 का, इस तरह से निकालेंगे। अंश का निकाल रहे हैं, 5 × 5 = 7, 5×5 = 35, 5×5 = 20, 7, 1, 1 और 4 हो जाएगा। 4 का भी कर देते हैं, 1, 1, 1, 1। अब इसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा अंश का 5 × 7 × 4, 4 है सही, 4। 7 × 5 = 35, 35 × 4 = 140 होगा। अब देखिए हर का नीचे जो है 27, 81 और 21 का महत्तम समापवर्त निकालना है। 27, 81 और 21 का, 21 का महत्तम समापवर्त हो जाएगा इतना का पूरे का, 2 से डिवाइड करके दीजिए, 2×2 ये नहीं जाएगा, 2 से नहीं जा रहा है। 3 से देखते हैं, 9×3 = 27, ये हो जाएगा, 3 से भी होगा, 3 से हो रहा है दोस्तों, ये 3 से ही होगा। 4 से करके देखिए, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, डिवाइड करके नहीं होगा दोस्तों, ये 3 से ही होगा, सभी जो है 3 से ही पूर्णतः विभाजित होंगे। इसलिए इन सवाल का पूरे का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा, 140 निकला है ऊपर अंश का, ये वाला 140 और ये हर का नीचे 3, इसका महत्तम समापवर्त, यही जो है लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। इसका जो है लघुत्तम समापवर्त बराबर इतना है, इतना निकला है लघुत्तम समापवर्त, इसको मिटा भी देते हैं, 140 लघुत्तम समापवर्त यही होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।